हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गेमिंग पैशन। आज के इस नई वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं Xiaomi ब्लैक शार्क गेमिंग फ़ोन। बहुत ही एक्साइटिंग है इसको ओपन करना। तो चलिए ओवरव्यू में कुछ देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, हम मेरे राइट हैंड में अभी इसका डिटैचेबल गेम पैड है। तो काफ़ी अच्छा बॉक्सिंग किया हुआ है। ये बॉक्स है फ़ोन का, बहुत ही अच्छा कलर है, ब्लैक मैट है। तो काफ़ी इस पर डिटेलिंग्स तो नहीं किए हुए हैं, बट ओके है। और चलिए इससे देखते हैं हम लोग, ओपन करके देखते हैं। अब तो ये है, इसका कवर मैंने हटाया और ये कुछ लिखा हुआ है यू आर गेमर एंड लेट्स शार्क, और कुछ बीच में चाइनीज़ भी लिखा हुआ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये सिंबल है शार्क का, एस लिखा हुआ है, बाकी चाइनीज़ वाला मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे आगे देखते हैं हम लोग, क्या है अंदर में। ये फ़ोन यहाँ देख सकते हैं, चाइनीज़ में फिर से कुछ लिखा हुआ है जो कि समझ आने वाला नहीं है। ये शार्क का सिंबल है। तो चलिए इसे निकालते हैं और आगे देखते हैं। बम्पर केस दिया हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छा फिनिश है, फ्लेक्सिबल भी है, बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल लग रहा है मुझे। ये स्क्रीन गार्ड दिया हुआ है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे तो। ये कॉर्ड दिया हुआ है, पावर कॉर्ड। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये तो एक टाइप सी पावर कॉर्ड है। और तो दोस्तों ये है कनेक्टर जिसे 3.5mm जैक के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो दोस्तों ये जो चार्जर है 9V 3A चार्जर है, फास्ट चार्जिंग करेगा। और अंदर में वैसा कुछ खास नहीं है। ये हमारा डिटैचेबल गेम पैड, तो इसे ओपन करके देखते हैं। चलिए हम लोग, कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। ओपन करने के बाद बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है, आप देख सकते हैं। टच बहुत अच्छा है इसका, हार्ड है ये। ये देखिए जॉयस्टिक, ऊपर में भी दो बटन्स दिए हुए हैं इसमें। ये चार्जिंग पोर्ट है, इसे साइड में रखते हैं आप और फ़ोन को देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वालिटी है स्क्रीन का, बहुत अच्छा फ़ोन लग रहा है दिखने में। ये लेबल हटा के साइड पर रखते हैं। बिल्ड क्वालिटी इस फ़ोन का बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो आइए इस फ़ोन को बूट करते हैं, तब तक मैं आपको इसके कुछ फ़ीचर्स बता देता हूँ। स्क्रीन है 1080x2160 का, 5.99 इंचेस का है। इसके अंदर 8GB रैम है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और लेटेस्ट भी है। एंड्रॉयड वर्जन 8.0 ओरियो दिया हुआ है इसमें। 4 प्रोसेसर्स 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करते हैं, बाकी के 4 प्रोसेसर्स 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करते हैं। टोटल 8 प्रोसेसर्स हैं, इसका मतलब ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाला फ़ोन है ये। इसमें जीपीयू एड्रीनो 630 लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है ग्राफिक्स के लिए। और डुअल सिम डुअल स्टैंड बाई है इसमें। कैमरा जो है बैक में वो डुअल कैमरा इनेबल्ड है, और एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, f1.8 है। दूसरा कैमरा 20 मेगापिक्सल का है, f1.0 है। ऑटो फोकस, डुअल LED टोन फ्लैश है, फेस डिटेक्शन है, जियो मैपिंग है और टच फोकस भी है इसमें। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप 2160 को 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080 में 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप 720 पे रिकॉर्डिंग करें तो 120 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बात करें फ्रंट कैमरा की तो वो 20 मेगापिक्सल का है, f2.2 है, 1080 पिक्सल्स हैं उसमें। और इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं, आपको स्टीरियो स्पीकर्स है, बहुत ही अच्छा है। इसमें हेडफोन जैक जो 3.5mm का होता है वो नहीं लगा हुआ है, तो उसके बदले यहाँ पर दिया हुआ है एक डिटैचेबल USB Type-C कनेक्टर जिसके थ्रू हम लोग अपने हेडफोन को 3.5mm जैक में कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 36,000 से 37,000 के अराउंड आसपास होगा। इसका लॉन्चिंग डेट 20 अप्रैल है। ये जो फ़ोन है स्पेशली गेमर्स के लिए बना हुआ है। इसका स्पेसिफिकेशन, इसका पिक्सल डेंसिटी, ग्राफिक्स, जीपीयू और जो स्क्रीन साइज़ है स्पेशली फॉर गेमिंग। तो ये था हमारा रिव्यू। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू। दिस इज़ गेमिंग पैशन।